वेलकम बैक। न्यूज ब्रेक के बाद हम दोबारा से वापस आ चुके हैं और अब मुझे आपकी मुलाकात करानी है एक बिल्कुल रोशन चमकते सितारे से। मेरे साथ मौजूद हैं जी कश्यप सनाउल्ला, जो कि लाहौर बोर्ड में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है प्री मेडिकल के एग्जाम में। कश्यप, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और कश्यप के साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, सनाउल्ला साहब भी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बात करेंगे जी कश्यप से आगाज। कश्यप, सोचा था कि पहली पोजीशन ही हासिल करनी है? जी, मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद जब मेरे मार्क्स आए थे तो टीचर से और सब टीचर्स ने बोला था कि आपकी पोजीशन इंशाल्लाह है, तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे लगा दिया। अच्छा, ये पहली बार पोजीशन आई है या फिर वो जैसा होता है कि कुछ इतने बच्चे होते हैं कि शुरू से उनको कहा जाता है कि आपने क्लास में पोजीशन ही लेनी है? नहीं, स्टार्टिंग से क्लास में पोजीशन तो आती रही है, लेकिन ऐसे बोर्ड में फर्स्ट टाइम आई है। मैट्रिक भी मेरे 1062 मार्क्स है लेकिन पोजीशन नहीं थी, और FSC में पोजीशन आई है। अच्छा, जब मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स थे लेकिन पोजीशन नहीं थी, तो फिर सोचा कि अब FSC में मैंने बहुत पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना, पोजीशन लेनी। जी, वो मेरे पापा कहते थे ना कि तुम्हारी बोर्ड में पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन मेरी मैट्रिक में नहीं आई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा कि हो सकता है थोड़ी सी मेहनत की तो आ गई। कश्यप के बाबा से भी बात करते हैं जी। सनाउल्ला साहब, कश्यप का कहना है कि आप जो हैं वो कहते थे कि बोर्ड में पोजीशन ज़रूर आनी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी करवाते थे, तो किस तरह से जो है वो आपने इतना ज़्यादा बच्चों को वो किया कि आपने तालीम में बहुत आगे जाना? बाजी, मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चे मेरे पढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इन्होंने शादियाँ भी अटेंड की हैं लेकिन पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा, पढ़ते रहे हैं और मुझे खुश कर दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है कि मतलब पूरे पंजाब में ओवरऑल पोजीशन हासिल की है इसने, बच्ची ने, तो बहुत हम खुश हैं। अच्छा। पूरा ख़ानदान ही हमारा खुश है, बल्कि जो भी सुनने वाला है हर बंदा ही खुश है जी। हर एक ने मुबारकबाद दिया है जी हमें कि आपको मुबारक हो। अच्छा, सबकी जानिब से मुबारकबाद भी मिली। कश्यप, जब रिजल्ट देखा किसने बताया आखिर का कश्यप आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई है, या फिर खुद देखा था कंप्यूटर से? नहीं, मैं MCAT की क्लासेस में थी, उस टाइम मेरी क्लास हो रही थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि आपकी पोजीशन आई है, और मैं पढ़ रही थी, मैंने मैसेज नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज देखा था, फिर मैं अपने सर को बताया कि सर मेरी पोजीशन है, फिर सर ने क्लैपिंग वगैरह करवाई मेरे लिए, फिर उसके बाद मैं घर गई थी। और घर जाके सबसे पहले किसे बताया? घर वालों को पहले ही पता चल गया था। अच्छा, पहले न्यूज़ से और फोन आ रहे थे बोर्ड की तरफ से, और सारे मेरे कजन्स वगैरह भी इकट्ठे हुए थे। अम्मी का क्या रिस्पांस था? अम्मी बहुत खुश थी। अच्छा, खूब मुंह चूम रही थी कि बेटी ने जो है वो नाम रोशन कर दिया है। जी जी। अच्छा, आपसे बात करूंगी सनाउल्ला साहब, के बच्चों को जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में तालीम की तरफ राग़िब करना, क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि बच्चे पढ़ने की बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। किस तरह से आपने इनकी तरबियत की कि इन्हें जो है वो पढ़ाई की तरफ राग़िब करना? नहीं, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है, मेरे बच्चों ने ना किसी और तरफ ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दिया। इसमें मेरी वाइफ ने भी बहुत मेरा साथ दिया, बच्चों की बहुत निगरानी की है, बच्चों को 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, और पढ़ाई की तरफ तवज्जो थोड़ा बहुत होता है, बच्चे करते हैं लेकिन इन्जॉय करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ाई को तरजीह देते हैं। अच्छा, ज़्यादा पढ़ाई को तरजीह देते हैं। कश्यप, पढ़ने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए आपने क्या क्या कुर्बानियाँ दी? शादियों की, किसी फंक्शन की? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगले रोज पेपर होता है और फिर उससे पहले दिन कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी छोड़नी पड़ती है आपको। अगर ऐसा है कि आपका अगले दिन पेपर है या बहुत इंपॉर्टेंट कोई टेस्ट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो शादी अटेंड करो। और कुर्बानियाँ जहाँ तक है, नींद बहुत कम करनी पड़ती है आपको, अपने स्लीपिंग आवर्स बहुत कम करने पड़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। उसके अलावा आपको अपनी दूसरी एक्टिविटीज़, जैसे ये मोबाइल यूजेज हो गया, नेट वगैरह, मोबाइल तो मैंने बिल्कुल सेकेंड ईयर में आगे स्टार्ट करना शुरू किया, और बस यही चीज़ें हैं। अगर आपको फोकस है कि आपने पढ़ना है और आपने पोजीशन लेनी है या फिर आपने अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। अच्छा, कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कश्यप, कुछ दोस्त होती हैं आपके साथ, लड़कियां होती हैं, वो बात करती हैं, मिल के पढ़ाई हो रही होती है कि हम लोगों में एक होता है कि मैंने आगे जाना है, मैंने आगे जाना है, कुछ जेलिसी का फैक्टर था दोस्तों में? नहीं, जेलिसी का फैक्टर बिल्कुल नहीं था, हमारी क्लास में सारी बच्चियाँ इक्वल थी,
पंजाब कॉलेज का जो सुपर मॉडल कैंपस होता है ना, उधर वहाँ हर बच्ची इक्वल है, उसमें सुपर स्टूडेंट्स जी, हर बच्ची अपने तौर पे मेहनत कर रही होती है। तो इस तरह की जेलिसी नहीं थी कि आपकी पोजीशन आई है तो आप मेरी आनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं, बस जिसकी आ। अच्छा, जब फिर सुपर स्टूडेंट हो, सुपर कैंपस हो, तो उस कैंपस में रहते हुए पोजीशन लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है। बिल्कुल, सारी बच्चियाँ मेहनत कर रही होती हैं, हर एक का एम होता है कि उसकी पोजीशन आए और आगे मेडिकल कॉलेजेस में जाना, लेकिन सब मिलके एक हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन को नहीं लेना चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह जेलसी का फैक्टर आ जाए, लेकिन बस सब अपनी अपनी मेहनत कर रही थी, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने नवाजा है। सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ आऊँगी, जब आपको पता चला कि बेटी की पहली पोजीशन आ गई है, क्या पहली सोच जहन में क्या आई, क्या रिस्पॉन्स था? बस मैं सोया हुआ था, मैंने बच्चे को कहा कि मुझे ना 6 बजे ना उठा देना, क्योंकि मुझे बहुत बेताबी से इंतज़ार था कि 6 बजे बच्ची का रिजल्ट आना है, लॉन्स होना है। तो मेरे बेटे ने मुझे उठाया कि पापा उठो, कश्यप की ओवरऑल पोजीशन आ गई है पूरे पंजाब में। तो मैं बहुत खुशी से उठा और मैंने कश्यप को फ़ोन किया, कश्यप बेटा मैं मीडिया वाले आए हैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आपको लेने आ जाऊँ? कहती पापा नहीं, मैं अभी अपना लेक्चर पूरा करके फिर आऊँगी। अच्छा, तो और कश्यप की वालदा का क्या रिस्पॉन्स? वो भी बहुत खुश थी जी, उसने भी बहुत बच्चों पे मेहनत की है, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, शुरू से ही कश्यप बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती थी, पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब थी, या फिर आहिस्ता आहिस्ता? नहीं नहीं, शुरू दिन से ही मेरे बच्चे ना, तीनों बच्चे मेरे, 2 बच्ची हैं 1 बच्चा, शुरू दिन से मतलब बहुत पढ़ाई की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, खेल कूद में कम, मोबाइल में कम, नमाज और पढ़ाई, इसको ज़्यादा तरजीह दी है उन्होंने और अल्लाह ताला ने कामयाब किया, ये अल्लाह ताला की रहमत है जी। अच्छा कश्यप, आपकी तरफ आऊँगी, आपने पोजीशन ले ली है, आगे कौन सी फील्ड चूज करोगे, क्या बनना चाहते हो, ख्वाहिश क्या है? मैंने MBBS स्टार्ट कर लिया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और इंशाल्लाह MBBS कम्प्लीशन के बाद उसके बाद FCPS स्पेशलाइजेशन करूँगी और डॉक्टर बनेंगी जी, और लोगों की जिंदगियां बचाएंगी, मसीहा बनेंगी, मुल्क की तरक्की में कितना चाहती हैं कि मैं अपने वतन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं? आजकल इस तरह के डॉक्टर्स की बहुत कमी है कि जो पैसे को छोड़ के अपनी यानी के पेशेंट्स के लिए अपना टाइम सर्व करें, तो मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहूँगी जो ना कि पैसे की वजह से बल्कि अपने पेशेंट्स को और पाकिस्तान की तरक्की को देख के आगे काम करें। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन डॉक्टर्स, हर एक चलता फिलता डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये इंस्पिरेशन थी उनका वाइट कोट पहनना, और वैसे ही डॉक्टर की फील्ड मुझे वैसे शुरू से बहुत पसंद है। जरूर जाना चाहूंगी, आजकल देखा है हमने यंग डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा हड़तालें कर रहे हैं, सड़कों पे निकले होते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि मैं क्यों ये पेशा अपनाना चाहती हूँ? इन्होंने तो अजीब सा माहौल बना दिया है इसका, देख के ऐसा लगता है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें टाइम पे नहीं मिलती, अगर वो अपना पूरा मंथ उधर सर्व करते हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन्हें टाइम पे उनकी पेज दें ताकि वो भी आगे से अच्छा काम कर सके। अच्छा, डॉक्टर आप बनना चाहती हैं, इंजीनियर, पायलट, टीचर, कुछ और क्यों नहीं बनना चाहती? स्टार्टिंग से ही डॉक्टर का था कि मैंने डॉक्टर बनना है, वैसे और भी फील्ड्स काफ़ी अच्छी हैं, आर्मी में भी मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन डॉक्टर ज्यादा प्रायोरिटी मेरी डॉक्टर। अच्छा, कश्यप बनना चाहती हैं डॉक्टर। सनाउल्लाह साहब, आपकी जानिब से शुरू से बच्चों को ये कहा गया कि जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पायलट बनना है, या फिर बच्चों ने बड़े होकर खुद चूज किया कि उनको क्या बनना है? बस मैंने तो बच्चों को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाई है, आगे बच्चों को खुद जो बच्चा चाहे वो करे, उसके जहन में जो है जो आसानी से वो कर सकता है, इसके डॉक्टर की तरफ तवज्जो थी, वो डॉक्टर बेटा। अच्छा, आपका एक बड़ा बेटा है जो कि कश्यप से बड़े हैं, और एक कश्यप से छोटी बहन भी है कश्यप की, वो दोनों बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, बच्चे मेरे तीनों में बहुत मेहनती हैं और पढ़ाई में हर क्लास में फर्स्ट आते हैं। अच्छा, अब कश्यप की वजह से उनपे ज्यादा सख्ती तो नहीं होगी थी कि अब बोर्ड में भी पोजीशन आनी चाहिए? कश्यप की वजह से बल्कि उन्होंने ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी है कि हम भी पोजीशन ले गए, जिस तरह मतलब पढ़ाई में बहुत इज्जत है, जिस तरह कश्यप की इज्जत हुई हमारी भी इज्जत होगी, लेकिन उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी है। अच्छा, फायदा हो गया है कि वो बच्चे अब बिना कहे पढ़ना शुरू, बिना के पहले भी बिना कहे पढ़ते थे, लेकिन अब उससे ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने।
अच्छा, मोहल्लेदार जब आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं कश्यप को बड़ी मोहब्बत से, और फिर अपने बच्चों को मिसालें देते हैं कि कश्यप जैसा बनो, तो फिर क्या लम्हा होता है, वो फख्र महसूस होता है? हाँ, फख्र महसूस होता, क्यों नहीं होता? वो अपने बच्चों को कहते हैं, ये देखो बच्चे ने मेहनत की है, तो कितना मतलब इनाम मिला है इसको, और इनके माँ बाप कितने खुश हैं, हमारा भी दिल करता है आप भी मेहनत करें, पोजीशन हासिल करें, हम भी खुश हों। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद अच्छा पढ़े, पोजीशन हासिल करे, माँ बाप को खुश करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा, बिल्कुल जी, तमाम पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है, क्या कहना चाह रहे थे? मेरी बच्ची ने ओवरऑल पोजीशन की है पूरे पंजाब में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नहीं आया इस बच्ची का हौसली अफजाई करने के लिए कि एक बच्ची ने पूरे पंजाब में पोजीशन हासिल की है, कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से कोई नहीं आया कि हम बच्ची की हौसला अफजाई करें कि एक बच्ची ने इतनी मेहनत की है, पूरे पंजाब में टॉप किया है। इस तरह आके हौसला अफजाई करने से बच्चों का हौसला बढ़ता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जी सनाउल्ला साहब की जानिब से एक छोटी सी शिकायत भी की गई है, और शिकायत जो है वो बिल्कुल जायज़ है। मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक वजीर, कोई एक बंदा, सीएम, कोई भी कश्यप के साथ मिलने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं आई। कि प्री मेडिकल जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल फील्ड भी है, और उसमें आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में पहली पोजीशन हासिल करना और पूरे पंजाब से, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब इस तरह से हम बात तो करते हैं कि बच्चों को हमने आगे लेके जाना है, ये हमारा रोशन मुस्तकबिल है, कल की बात करते हैं, रोशन सितारों की बात करते हैं, लेकिन इन रोशन सितारों को बनाने के लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार भी ज़रूर निभाना पड़ेगा। कश्यप, आपके भी दिल में कहीं ये छोटी सी कसक है कि मुझे जो है वो उस लेवल पे घर वालों से, मोहल्लेदारों से तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया कि आपसे कोई मुलाकात होती या फिर आपको कोई हौसला अफजाई की जाए? जी, ऐसा होना चाहिए था कि गवर्नमेंट, एक अगर पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा है कि वो पोजीशन लेता है और ओवरऑल पोजीशन लेता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसे थोड़ा सा इनक्रेज करें ताकि वो आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सके। तो ज़रूर आना चाहिए था उन्हें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बड़े बहन भाई जो है, एक बड़ा भाई भी है, छोटी बहन भी है, वो तो आपसे कहते होंगे कि अब हमें भी पोजीशन लेनी है, हमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा होता है? नहीं, भाई की तो अब प्रोफेशनल स्टडी स्टार्ट हो गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है वो। छोटी बहन पे है कि पापा उससे, मामा कहते रहते अब तुम भी पोजीशन लो ना, नाइन्थ, अभी वो नाइन्थ में है, तो वो कहती है हाँ ले लूँगी। अच्छा, वो भी ज़्यादा लाइक बच्चा है, पढ़ाकू बच्चा है या फिर? वो भी पढ़ती है, क्लास में ऑलमोस्ट फर्स्ट ही होती है, अभी तक बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए इसके तो। अच्छा कश्यप, कभी ये सुनने को मिला कि ये तो किताबी कीड़ा है, ये तो पढ़ती रहती है हर वक्त? क्योंकि अक्सर कजन्स की जानिब से ये कहा जाता है कि क्या है, हमारे साथ बातें नहीं कर रही, हर वक्त पेपर एग्जाम्स और इनमें उलझी रहती है। कजन आते थे संडे को, तो वो कहते हैं जब भी तुम्हारे पास आते हैं तुम तो पढ़ ही रही होती हो, तो कभी हमें भी टाइम दिया करो। तो लेकिन जब आ जाते थे थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी स्पेंड किया, फिर पढ़ाई की तरफ। फिर पढ़ाई की तरफ। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा इतना खास कुछ नहीं, बस ज़्यादातर पढ़ाई को नाइन्थ से लेके स्टार्ट हुए हैं, अब FSC तक हम सिर्फ पढ़ते रहे हैं। उसके अलावा ऐसी कोई कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी हमारी साथ में, ना कोई डिबेट्स की मैंने, ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह में, जस्ट स्टडीज, सिर्फ पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और आज जो है उस पढ़ाई का सिला मिला जी। अच्छा कश्यप, कौन ज्यादा प्यार करता है, क्या लगता है, अम्मा ज्यादा मोहब्बत करती है या फिर बाबा? दोनों इक्वल करते हैं, दोनों इक्वल। ये तो सियासी बयान नहीं देना बिल्कुल, बाबा सामने बैठे हैं। फिर भी एक होता है ना कि कहा जाता है कि बेटियां माओं से बहुत करीब होती हैं, आप किसके करीब है? एक होता है कि आप हर चीज अम्मा से शेयर करना चाहते हो या बाबा से करना? दोनों से कर लेती हूँ, पापा से भी मामा से भी, इतना मैंने फील नहीं किया कोई मुझे ज्यादा करता है कम, दोनों इक्वल करते हैं। अच्छा, और ज्यादा करेज कौन देता है, इनकरेज कौन करता है? पापा। बाबा ज्यादा इनकरेज करते हैं। अच्छा, कभी जो इनकी वालदा है उनकी जानिब से ये तो नहीं कहा गया? अक्सर हमने देखा है कि बेटियों को जो है वो उस तरह से, जितना मर्जी एडवांस मुआशरा हो जाए लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा फर्क रखा जाता है बेटियों में, कभी ऐसा सामना हुआ मुआशरे की तरफ से, मोहल्लेदारों की तरफ से, कि आप जी बेटियों को इतना पढ़ाए जा रहे हैं, और कभी इस तरह के रवैयों का सामना हुआ आपको? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ, ना कभी किसी ने कहा। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने जब भी क्लास में रिजल्ट आता है फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं,
इस बार तो माशाल्लाह पंजाब में ओवरऑल पोजीशन हासिल की है, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार ने, कभी मोहल्लेदार ने नहीं कहा। हम बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं, खुद लेके आते हैं, ना कि रक्षा वैन में, नहीं, हमने शुरू से ही बच्चों को भेजा। ठीक है जी, माँ बाप की भी नो डाउट कि एक बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि उन्होंने बच्चों की ना सिर्फ हिफाजत करनी है बल्कि उनको ठीक सेम्थ में गामजन करना है, सही रास्ता दिखाना है और उन्हें बताना है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या गलत है। कश्यप, डांट पड़ती है अम्मी या अब्बू से? किससे पड़ती है? पड़ जाती है मामा से। अगर मामा से पड़ती है, किस बात पर? ज़्यादातर मामा जब रात तक पढ़ रहे होते थे, मामा यही कहती थी कि इतना ज़्यादा पढ़ती हो तो सेहत का भी ध्यान रखा करो। तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता, फिर मामा डांट के ही सुलाती थी, तुम आ रही हो कि नहीं। अच्छा। फिर मैं आ जाती थी, लेकिन मामा डांटती थी लेट जागने से। हाँ, मामा कहती पढ़ना है, इतना भी नहीं पढ़ना कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए। तो फिर मोस्टली रात को ही डांट पड़ रही होती थी कि सो जाओ, अब कितना पढ़ना है। तो बस, और अगर थोड़ा सा और दूसरी बातों पे भी पड़ जाती है। अच्छा, कोई एक पैगाम जितने भी आपको देख रहे हैं स्टूडेंट, घर में माएं, क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी स्टडीज पे फोकस रहें तो हर बच्चा पोजीशन ले सकता है। कोई भी, किसी में भी कम नहीं होता कि वो पीछे है और वो नहीं पढ़ सकता। अगर सब इक्वल मेहनत करें तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो पीछे रह जाए और वो नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सलाहियतों से नवाजा है। कश्यप सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और वही बात के ये रोशन सितारे हैं हमारे मुल्क के, जो कि आने वाले मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी सर फख्र से बुलंद कर देंगे। वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे और भी बहुत सी बातें होंगी।